आपने वो तो सुना ही होगा कि घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और कुछ ऐसी ही हालत अब हनुमान बेनीवाल की हो रही है। उपचुनावों की जब से चर्चा चल रही है राजस्थान में, तब से हनुमान बेनीवाल का रंग भी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से उपचुनावों को लेकर उन्होंने कांग्रेस को ललकार दिया है, इसके बाद किन किन चुनौतियों का सामना आरएलपी को करना होगा और किन किन चुनौतियों का सामना कांग्रेस को इस गठबंधन से टूट जाने के डर के बाद करना होगा, करेंगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल को नाराज कर दिया कांग्रेस ने, और उसके बाद अब वो कुछ उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं, और उपचुनाव के लिए उन्होंने जो फैसला लेने की ठान ली है, तो क्या वो बातचीत के बाद उस पर अड़िग रहेंगे? देखिए, बहुत साफ और क्लियर सी बात है कि हमें पहले ये समझना पड़ेगा हनुमान बेनीवाल ने ऐसा किया क्यों। सबसे बड़ा धोखा तो उन्हें उमेदाराम बेनीवाल के तौर पर मिला जब उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस में चले गए। एक तरफ कांग्रेस उनसे गठबंधन की बात कर रही थी, दूसरी तरफ ये हो गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल ने खुद ने कई मंचों से ये बात कही है कि केसी वेणुगोपाल के घर में जब नेगोशिएशन चल रहा था लोकसभा चुनाव में गठबंधन की बात का, तो बहुत स्पष्ट था कि कम से कम उन्हें 2 या 3 सीटें दी जाएगी, जिसमें एक सीट जो वो लड़ रहे हैं नागौर की वो तो थी ही, उसके अलावा एक सीट बाड़मेर की थी, उसके अलावा भी वो और कुछ सीटें चाहते थे और बहुत स्पष्ट थे उस बात में कि वो सीटें मिले। झुंझुनू में भी उनकी अच्छी पकड़ बताते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर की भी रोध की सीट के अलावा जो सीटें हैं उस पर भी उनकी कुछ पकड़ बताते हैं, ऐसी और भी कई सीटें थी, तो उन सब के लिए बातचीत चल रही थी। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ लोग हनुमान बेनीवाल को पीछे खींचने पर लगे हुए थे, ये हनुमान बेनीवाल को साफ तौर पर दिख रहा था। और आखिरकार हुआ ये कि उमेदाराम बेनीवाल को जिस तरीके से चुराया गया, वो वाकई एक बहुत ही ज्यादा दुखद घटना थी हनुमान बेनीवाल के लिए। और उसके अलावा भी हनुमान बेनीवाल के लिए काफी कुछ बुरा कांग्रेस ने किया। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस अच्छा संबंध रखती और जोधपुर में उन्हें बुलाती जयपुर ग्रामीण में, उन्हें बुलाती डूंगरपुर और बांसवाड़ा के दूसरे इलाकों में, तो शायद कांग्रेस की और भी ज्यादा सीटें आती। लेकिन कांग्रेस ने ये जानबूझकर नहीं किया जी। और इसको लेकर वो नाराज थे। नाराजगी और उफान पे तब आई जब चुनाव जीतने के बाद गठबंधन की बैठक में बुलाया ही नहीं। ये सारी चीजें अब एक साथ आ गई और हनुमान बेनीवाल को इतना घायल कर गई कि उन्होंने साफ साफ कहा कि अब कांग्रेस के साथ पहले तो चर्चा होगी कि उपचुनावों में वो कितनी सीट देते हैं जी। और अगर वो चर्चा सकारात्मक नहीं रही, उन्होंने आरएलपी को अच्छी सीटें नहीं दी, क्योंकि आरएलपी एक पार्टी है, कोई ऐसे इंडिविजुअल तो है नहीं, तो फिर वो राजस्थान में गठबंधन तोड़ देंगे। और ये साफ साफ उन्होंने कहा। अब समझने वाली बात यह है कि राजस्थान में आज की डेट में लोकसभा सीटों में भी हनुमान बेनीवाल का कितना प्रभाव रहा है, काफी सीटों पर प्रभाव रहा है, जिसकी वजह से ये नंबर आया है जी। अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस में, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन का, वो राजस्थान में तोड़ देते हैं, तो वो राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार भी कर सकते हैं। वो लोकसभा चुनाव के बाद से ही खुल के कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं कि कैसे उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। इसके बाद अगर वो उपचुनावों में भी बोलेंगे तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी खतरे की घंटी बन जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कांग्रेस बात बनाने से पहले ही बिगाड़ लेगी। आपको याद होगा कि जब हनुमान बेनीवाल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि उन्हें पहली बैठक में क्यों नहीं बुलाया, तो तुरंत पूरी नेशनल कांग्रेस को, जिसमें जयराम रमेश भी थे, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी थे, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बताना पड़ा, जस्टिफाई करना पड़ा कि भाई वो सब चीज अब ठीक हो चुकी है। तो हनुमान बेनीवाल कितना प्रभाव रखते हैं ये तो समझ में आता है, कांग्रेस को ऊपर तक हिला गए वो जी। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस किस तरह से नेगोशिएट करेगी नहीं करेगी, इस पर सब बातचीत होगी, चर्चा होगी और आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन उपचुनाव जो है वो वैसा का वैसा परफॉर्मेंस दे जैसा लोकसभा चुनाव दिया है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर संभालने की कैपेसिटी बहुत कम है। वो चीजें बना तो सकती है बहुत मेहनत करके, संभालने की कैपेसिटी कम है। और क्या इस संभालने वाली बात है उसमें ये सचिन पायलट को भी आगे लाते हैं या नहीं,
ये भी सोचने वाली बात होगी। लेकिन जब अगर आपने पायलट का जिक्र किया है तो पायलट को तो बेनीवाल का आना वैसे भी सही नहीं लग रहा था, इस बात पर वो कभी बोले देखिए, नहीं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि लोकसभा में जो परफॉर्मेंस हुई कांग्रेस की वो क्यों हुई, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई उतनी पुरजोर तरीके से दिखी नहीं। दोनों कहीं ना कहीं मोटा मोटी लगे कि हाँ कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जालौर के बाहर नहीं आए वो अलग बात थी, लेकिन लड़ाइयों की चर्चा नहीं हुई, आप समझ रहे हैं। वैसे ही अगर सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल को एक पटल पर लाते, लड़ाइयां नहीं दिखाते, तभी उपचुनाव में भी जीत पाएंगे, नहीं तो फिर ये उस बुलबुले की तरह होगा जो एक बार तो बड़ा बन गया लेकिन उतनी तेजी से फट भी गया। जी, और इसी के साथ साथ कांग्रेस की भी साख का सवाल यहां पर नजर आ रहा है। अगर गठबंधन टूटने के आसार अगर कहीं से भी नजर आते हैं तो मुश्किलें कांग्रेस के लिए भी बढ़ जाएगी, और हनुमान बेनीवाल एक बार जो कह देते हैं वो करके ही दिखाते हैं। देखिए, जो गठबंधन का धागा है ना वो अभी इतना कच्चा है कि साख और राख के बीच में ये कच्चा सा धागा है, अगर इस कच्चे से धागे को संभाला नहीं गया तो वो साख राख में बदल जाएगी, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी, तो ये तो थी हमारी राय। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर, क्या सोचते हैं आप, सब कुछ लिख डालेगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I'm here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.